संभल के इंचोड़ा कंबो में 19 फरवरी को होने जा रही कलकी धाम शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 12 फरवरी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके लिए मंडल और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। दूसरी तरफ कलकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी द्वारा 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसको लेकर के उन्होंने दैनिक भास्कर से कहा कि निष्कासित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का बहुत आभार जिन्होंने मुझे मुक्ति दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं छात्र जीवन में राजीव गांधी से वादा किया हूं कि मैंने उसे निभाया है, कि मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। जहां कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित होना बताया, तो वो बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो कांग्रेस पार्टी विरोध लगा रही है। उन्होंने कहा कि कलकी महोत्सव किसी एक पार्टी का नहीं पूरे भारतवर्ष का है। ये बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री इस महोत्सव की आधारशिला रखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी में काफी अपमान के घूंट पीने पड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। आचार्य ने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी बात है, राम और राष्ट्र से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। कलकी अवतार जन्म लेंगे। आज एक बड़ा मैसेज चर्चे में आया है कि कांग्रेस के जाने माने हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को कांग्रेस ने एक निष्कासन का लेटर दे दिया है। वो हम बात करते हैं, मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के पास में, कि क्या वजह रही कि आपको ये निष्कासन का लेटर दे दिया गया? एक बोझ था सिर पर जो उतर गया और वो पार्टी के नेताओं ने उतार दिया। वैसे भी मैं राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता आत्मघाती है। कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पे चल दी है, मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी कोने में उसे जगह मिल पाएगी। राम का विरोध, सनातन का विरोध, राम के मंदिर के न्योते को ठुकराना, ये सब ऐसे पाप हैं कि इन पापों का बोझ अब ढोया नहीं जा रहा। तो मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसने मुझे मुक्त कर दिया। आपने जो राजीव गांधी से पूरा वचन निभाया था, मैं कांग्रेस के साथ चोली दामन तक साथ रहूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो आज कैसी स्थिति आ गई कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को आपको निष्कासित करना पड़ा है? कुछ तो वजह नहीं होगी। नहीं, मेरा कसूर इतना है कि मैं राम की बात करता था, सनातन की बात करता था। मैं कहता था कि सनातन का विरोध मत करो। मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मैंने कहा कि भगवान राम का विरोध ठीक नहीं है। मैंने कहा कि भारत का विरोध मत करो। नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत मत करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी अब ऐसी हो गई है कि वो मोदी से इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि नफरत करते 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 वो भारत से नफरत करने लगे। तो जो भारत से नफरत करने लगे उसका साथ, उसके साथ मैं नहीं रह सकता। लेकिन छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूँगा। आप इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी इसका मंदिर का शिलान्यास हो सकता था, आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुना? देखिए, मंदिर का शिलान्यास कौन करेगा इसका फैसला मैंने नहीं किया, इसका फैसला भगवान ने किया, इसका फैसला भगवान करता है, ये परमात्मा करता है। मैंने आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, अपना वचन निभाया, लेकिन कांग्रेस का मैं आभारी। अच्छा, एक चीज बताइए महाराज जी, जैसे अयोध्या की बारी आई थी, मथुरा की बारी आई थी, काशी की बारी आई थी, अब किताबों में भी पुराणों में भी इसका लिखा हुआ है कि कलकी अवतार यहाँ जन्म लेंगे संभल में, तो पहले से मतलब ऐसा मन में क्यों नहीं आया इसका जल्दी निर्माण किया जाए, चुनावी समय पर ही क्यों? 2016 में श्री कलकी धाम का निर्माण शुरू होना था, लेकिन उस समय की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। 7 साल का मुकदमा चला, फिर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कलकी धाम का निर्माण शुरू किया जाए। तो ये अच्छा हुआ, मैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद देता हूँ। अगर वो इसका, इस निर्माण पे पाबंदी नहीं लगाते तो नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करने ना आते। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमको काशी भी चाहिए, 3 धाम चाहिए, काशी, मथुरा और आपका अयोध्या, तो ये कलकी धाम भी उनकी नजरों में अटक रहा है? अयोध्या भी योगी जी का है, कलकी धाम भी योगी जी का है,
सब योगी जी का है, सब उत्तर प्रदेश में है, हम सब योगी जी के हैं। अच्छा, ऐसा कदम 19 जो आने वाली 19 तारीख है, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री से शिलान्यास करेंगे मंदिर का, ये एक बड़ा आपको एक हर्ष का विषय होगा कि यहाँ पहली बार आप प्रधानमंत्री आपके। ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। भगवान के होने वाले अवतार का धाम बन रहा है, उस धाम की आधारशिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो सर पहले भी जवाब नहीं सुनते, सवाल पहले कर देते हैं, पूरा जवाब होने देना। ये गौरव का विषय है, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये हमारे गौरव का विषय है और मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने अगर कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी ना लगाई होती 2016 में, तो आज नरेंद्र मोदी जी इसकी आधारशिला रखने ना आते। धन्यवाद। हम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ मौजूद थे, मैं दैनिक भास्कर के साथ अरविंद कुमार संभल।